जिनके लिए वे कैंची में अपने को चिंतित दर्शा रहे थे और जिन्हें आश्रम में अचेत छोड़कर वे आगरा चले आए थे, क्योंकि इसके एक दिन बाद ही वे लोग स्वस्थ हो आश्रम छोड़कर चले गए थे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। एक समय बाबा जी की अनुमति पाकर इंद्र जी ने कार चलाई। उस समय मौन आकाश में बृहत इंद्रधनुष अपने समस्त रंगों में दे दीप्यमान हो रहा था। कार से काठगोदाम रेल के स्टेशन पहुंचने तक भी लगभग 1.5 घंटे यह यथावत बना रहा। बाबा जी की दृष्टि इस पर थी और वे भगवान की इस सुंदर कृति की प्रशंसा करते जा रहे थे। इंद्र जी को ध्यान दिला रहे थे कि मनुष्य ऐसी सुंदर रचना नहीं कर सकता। रास्ते में बाबा जी अपने भाग्य और भविष्य की अनिश्चितता पर भी बातें करते रहे। गाड़ी चलाते हुए इंद्र जी की दृष्टि एकाएक बगल में बैठे बाबा जी के चरणों पर पड़ी। आप मन ही मन घबरा उठे यह देखकर कि उनके चरण लगभग 1.5 फुट लंबे हो चले थे, पर काठगोदाम पहुंचने पर वे पूर्ववत हो गए। कार से उतरकर बाबा जी रवि खन्ना के साथ आगरा फोर्ट एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ गए। इंद्र जी ने उनके साथ जाने की अनुमति मांगी, पर बाबा जी ने उन्हें प्रेम से समझाते हुए कहा, तूने आज यज्ञशाला की छत तैयार करनी है, हम तुझे जल्दी बुलाएंगे। जिस प्रकार राम जी को छोड़कर सुमंत अयोध्या लौटे, उसी प्रकार इंद्र जी अपनी खाली कार में सूर्यास्त के बाद अंधेरे में आश्रम पहुँचे। उस रात बाबा जी की गाड़ी में रवि खन्ना से बातें करते रहे। श्री माँ ने उनके लिए थर्मस में दूध और बाल्टी में गंगा जल रखा था। खन्ना ने बाबा जी को दूध पिलाना चाहा, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वह बहुत देर तक आग्रह करता रहा। अंत में उन्हें मजबूर करने की गरज से थर्मस का दूध गिलास में परटने लगा। बाबा जी उसकी ओर देख कर मुस्करा रहे थे। गिलास में पलटने पर उसने देखा कि दूध खराब हो गया था और पीने योग्य नहीं रहा। तभी वह समझ पाया कि बाबा जी क्यों मना कर रहे थे। बाबा जी ने थर्मस बाहर फेंक देने को कहा, पर खन्ना को ऐसा करना उचित जान पड़ा। बाबा जी ने अपने हाथ से थर्मस गाड़ी से बाहर फेंक दिया और खन्ना से बोले, मोह नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप उससे विभिन्न लोगों और विषयों के संबंध में बातें करते रहे और अंत में अपने बारे में कहने लगे, हम धर्म प्रचार और प्रसार के लिए आए हैं। दूसरे दिन 10 सितंबर के प्रातःकाल आगरा स्टेशन में बाबा जी ने पुल से होकर जाना पसंद नहीं किया। वे रेल की पटरियों को कूदते फांदते पार कर गए और स्टेशन के बाहर चले आए। वहाँ से आप 6 बजे श्री जगमोहन शर्मा के घर पहुँचे। शर्मा जी ने बाबा का स्वागत किया। आप बताते हैं कि बाबा जी के पास उसी रात काठगोदाम वापस जाने वाली गाड़ी के टिकट थे। बाबा जी ने यहाँ भाई बुलाकर अपनी दाढ़ी और बाल साफ करवा दिए। आपने केवल राम नाने का भोग स्वीकार किया और बोले, अब अन्न फल आदि में शक्ति कम हो गई है, राम नाना बनाओ, वही खाएंगे। आप शर्मा जी से कहने लगे, अब बुरा समय आ रहा है, बड़े बड़े मकानों में मत रहना, बहुत लूट मार काट होगी, छोटे मकान में रहना। इसी प्रकार वे दिन भर बातें करते रहे। शर्मा जी के पिताजी से आप बोले, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो काम का नहीं रह जाता, उसका मुँह छोड़ देना चाहिए। बाबा जी
बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। उनका रुख देखकर शर्मा जी की सास ने उनसे पूछा, क्या आप वही बाबा हैं जिन्होंने एक बार रेल रोक दी थी? इस पर बाबा जी बहुत हंसे और कहने लगे, क्या तुझे भी यह बात मालूम हो गई? यहाँ से कुछ समय के लिए बाबा जी अपने भक्त डॉक्टर माथुर दिल के रोग के विशेषज्ञ के पास गए। आपने उन्हें दिल की शिकायत बताई और जांच करने को कहा। डॉक्टर ने तुरंत आपका कार्डियोग्राम लिया और आपको स्वस्थ पाया। उसने कहा कि बुढ़ापे में खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे इस अवस्था में घबराहट पैदा हो जाती है। उसने एक दवा की गोलियां बहुत मात्रा में भेंट की और कहा कि समय समय पर इसके सेवन से घबराहट नहीं होने पाएगी। बाबा जी अपनी बात में अड़े रहे और बोले, तू गलत कहता है, हमें दिल की बीमारी है। मेरे पास अमेरिका से आई यह नई मशीन है, यह झूठ नहीं बताती। तेरी मशीन भगवान है जो झूठी नहीं हो सकती। आपने डॉक्टर की दी हुई दवा को रख लिया पर उसका सेवन नहीं किया। आपका डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच कराने का अभिप्राय इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है कि आप कैंची में भक्तों की धारणा को कि आपको दिल की बीमारी है निर्मूल दर्शाना चाहते हो। बाबा जी को क्या कष्ट था और उन्होंने किसकी बीमारी अपने ऊपर ले रखी थी, कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि बाबा जी ने उन दो बीमारों का कष्ट अपहरण किया होगा जिनके लिए वे कैंची में अपने को चिंतित दर्शा रहे थे और जिन्हें आश्रम में अचेत छोड़कर वे आगरा चले आए थे, क्योंकि इसके एक दिन बाद ही वे लोग स्वस्थ हो आश्रम छोड़कर चले गए थे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।